हेलो, मैं हूँ कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको इंडिया के सारे रेलवे म्यूजियम्स के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब कि इंडिया में आखिर कितने रेलवे म्यूजियम्स हैं, उन सब की मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। अब आप में से बहुत सारे रेल फैंस ऐसे होंगे जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि भैया हम म्यूजियम्स में घूमें और रेलवे के पुराने सामानों को, पुराने ट्रेन सेट्स को एक बार जाके आराम से गौर करें। तो ट्रेन्स में जो जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो म्यूजियम्स में जाने के लिए भी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि वो पहले की रेलवेज भी देखना चाहते होंगे कि आखिर कैसे चलती है। तो चलिए अब मैं क्विक वीडियो में आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे रेलवे म्यूजियम्स इंडिया में है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेंट्रल रेलवे से। तो यहाँ पर जो सबसे पहला रेलवे म्यूजियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका, वो है हेरिटेज गैलरी, जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में ही बनी हुई है। मतलब कि सीएसटी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर एक हेरिटेज गैलरी है। और सेंट्रल रेलवे का दूसरा रेलवे म्यूजियम है लोनावला में, और वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, कुछ दिनों में आपको चालू हुए दिख जाएगा। तो सेंट्रल रेलवे में टोटल दो रेलवे म्यूजियम है, जिसमें से एक तो अभी फिलहाल बनी रहा है। इसके बाद मैं बात करूंगा ईस्टर्न रेलवे की। तो ईस्टर्न रेलवे में एक हेरिटेज गैलरी है, ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर कोलकाता में, मतलब कि जो हेडक्वार्टर मेनली जहाँ बिल्डिंग है वहाँ पर हेरिटेज गैलरी है। उसके बाद यहाँ पर तीन रेलवे म्यूजियम्स हैं, जिसमें कि पहला है हावड़ा का रेलवे म्यूजियम, उसके बाद दूसरा है गीतांजलि रेलवे म्यूजियम जो कि बोलपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक में है, और तीसरा यहाँ पर है रविंद्र रेलवे म्यूजियम जो कि हावड़ा में ही है और ये अंडर डेवलपमेंट है। तो ईस्टर्न रेलवे में टोटल चार ऐसे आते हैं। इसके बाद मैं आपको ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात बताऊंगा, मतलब कि ECR की। तो यहाँ पर एक हेरिटेज पार्क है जो कि डेवलप किया जा रहा है धनबाद रेलवे स्टेशन में। इसके बाद मैं आता हूँ ईस्ट कोस्ट रेलवे के ऊपर। तो यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी कम हेरिटेज सेंटर बना हुआ है रेल सदन में, जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे की हेडक्वार्टर बिल्डिंग है भुवनेश्वर में। इसके बाद हम आते हैं नॉर्दर्न रेलवे में। तो नॉर्दर्न रेलवे में ऐसे तीन साइट्स हैं, जिसमें कि पहला है नेशनल रेल म्यूजियम न्यू दिल्ली, जो कि सबसे ज्यादा अच्छा रेलवे म्यूजियम है, जिसमें कि ऑलमोस्ट लगभग सारी की सारी गाड़ियां जो कि ब्रॉडगेज में चला करती थी आपको दिख जाएंगी। सारे टाइप्स के इंजन्स हो गए, कोचेज हो गए, ये सब आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो नेशनल रेल म्यूजियम तो एक बार आप जरूर से विजिट करिए, और मैं भी जब दिल्ली जाऊंगा तो मैं आपको वहां का एक ब्लॉग जरूर से बना के दिखाऊंगा। फिर इसके बाद दूसरा यहां पे आता है बाबा भालकू रेलवे म्यूजियम जो कि शिमला में है, और तीसरा यहां पर है हेरिटेज पार्क गैलरी जो कि रेवाड़ी में बना हुआ है। तो नॉर्दर्न रेलवे की तीन साइट्स मैंने आपको बता दी है। अब हम आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में। तो यहाँ पर टोटल दो साइट्स हैं, जो कि पहला है रेल म्यूजियम गोरखपुर में, और दूसरा है रेलवे म्यूजियम कम हेरिटेज पार्क जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर गोरखपुर में बना हुआ है। इसके बाद हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में, मतलब कि NFR में। तो यहाँ पर टोटल चार ऐसी साइट्स हैं, जिसमें कि पहली है भानु भक्त रेलवे म्यूजियम जो कि घूम स्टेशन में है कटिहार डिवीजन में। इसके बाद यहाँ दूसरा आता है हेरिटेज पार्क जो कि न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन पर है। इसके बाद यहाँ पर आती है हेरिटेज गैलरी जो कि सुकना स्टेशन पर है कटिहार डिवीजन में। और इसके बाद यहाँ पर आता है रेलवे म्यूजियम जो कि कोच बिहार रेलवे स्टेशन में है। तो NFR के आपने चार साइट्स जान लिए। अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की एक साइट, जो कि है हेरिटेज गैलरी जो कि शोकेस करती है हिस्ट्री और हेरिटेज को ग्वालियर लाइट रेलवे के। और ये कहाँ पर है? तो एरिया मैनेजर ग्वालियर ऑफिस में ये सिचुएटेड है। तो ग्वालियर लाइट रेलवे जो कि पहले चला करती थी, तो उसी के यहाँ पर हिस्ट्री बताई गई है, तो आप चाहें तो ग्वालियर में भी जाके देख सकते हैं। इसके बाद मैं आता हूँ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में। तो यहाँ पर टोटल तीन साइट्स हैं। तो इसमें पहला आता है जोधपुर वर्कशॉप, जहाँ पर हेरिटेज मॉडल रूम है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर आता है अजमेर लोको वर्कशॉप, तो यहाँ पर भी हेरिटेज मॉडल रूम बना हुआ है। फिर तीसरा यहाँ पर है बीकाना हेरिटेज रेल म्यूजियम बीकानेर में। तो यहाँ आपने NWR के तीन साइट्स जान लिए। अब मैं आपको सदर्न रेलवे के तीन साइट्स बताता हूँ, जिसमें पहला आता है रीजनल रेल म्यूजियम ICF में, मतलब कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में रीजनल रेल म्यूजियम बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आता है मेट्टुपाल्यम रेल म्यूजियम जो कि सलेम डिवीजन में है। तो मेट्टुपाल्यम से ऐसी टॉय ट्रेन चलती है, उसका मैंने ब्लॉग भी बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, जो कि ऊटी तक के जाती है। तो वहाँ पर भी रेलवे म्यूजियम है। और तीसरा है यहाँ पर रेलवे म्यूजियम जो कि त्रिची में है, या फिर रेलवे स्टेशन की बात करें तो तिरुचिरापल्ली वहाँ रेलवे स्टेशन है। उसके बाद हम आते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे में, मतलब कि SCR में। तो यहाँ पर एक ही साइट है जो कि है हेरिटेज म्यूजियम, और ये सिचुएटेड है रेल निलायम प्रीमाइसेस में सिकंदराबाद में, मतलब कि हैदराबाद शहर में सिचुएटेड है। इसके बाद फिर हम आते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे में, मतलब कि SCR में। तो यहाँ पर भी एक रेल म्यूजियम है, या फिर हेरिटेज बिल्डिंग भी आप इसको कह सकते हैं, और हिंदी में विरासत भवन हम उसको कहते हैं। और ये है कहाँ पे? तो ये है साउथ इंस्टीट्यूट के नजदीक में आद्रा में। इसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दो साइट्स हैं, जो कि पहला है नैरो गेज रेलवे म्यूजियम जो कि नागपुर में है कड़वी स्क्वायर मोतीबाग में। और क्योंकि नागपुर मेरा शहर है, तो इस रेलवे म्यूजियम में मैं कई बार जा चुका हूँ। आपको भी अगर नैरो गेज के बारे में और ज्यादा अच्छे से जानना है तो आप यहाँ पर जरूर से विजिट करिए। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर रेलवे म्यूजियम, जिसे हिंदी में धरोहर संग्रहालय भी बोलते हैं, और ये है नैनपुर रेलवे स्टेशन में। तो यहाँ मैंने आपको SCR का बता दिया। अब हम आते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे में। तो यहाँ पर एक ही साइट है जो कि है रीजनल रेल म्यूजियम, और ये कहाँ पर है? तो ये है मैसूर में KRS रोड में। इसके बाद हम आते हैं वेस्टर्न रेलवे में। तो वेस्टर्न रेलवे में टोटल छह साइट्स हैं, जिसमें कि रेलवे म्यूजियम दो है। पहला है रेल म्यूजियम प्रताप नगर रेलवे इंस्टीट्यूट वडोदरा डिवीजन में, और दूसरा है हेरिटेज गैलरी नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज में।
तो ये अकेडमी भी वडोदरा में ही आती है। इसके बाद यहाँ पर तीन हेरिटेज गैलरी है, जो कि पहली है हेडक्वार्टर ऑफिस बिल्डिंग में वेस्टर्न रेलवे के, दूसरी है यहाँ पर राजकोट रेलवे स्टेशन में और तीसरी है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में। इसके बाद यहाँ पर एक हेरिटेज पार्क भी है जो कि है दाबोई रेलवे स्टेशन के नजदीक वडोदरा डिवीजन में। इसके बाद हम आते हैं WCR या फिर वेस्ट सेंट्रल रेलवे में, तो यहाँ पर एक हेरिटेज पार्क है जो कि वैगन रिपेयर शॉप में बना हुआ है कोटा में। इसके बाद हम आते हैं कोलकाता मेट्रो में, तो ये भी एक डिवीजन है जैसा कि आप जानते ही होंगे इंडियन रेलवेज का, क्योंकि कोलकाता मेट्रो इंडियन रेलवेज के अंडर में आती है। तो यहाँ पर एक हेरिटेज रूम है दमदम कार डिपो में नोआपारा में, जो कि कोलकाता में ही आता है। तो यहाँ पर टोटल 37 रेलवे म्यूजियम्स, रेल गैलरी, हेरिटेज गैलरी या फिर हेरिटेज पार्क है पूरे के पूरे इंडिया में, जिसमें से 34 अभी ऑपरेशनल है और 3 अंडर डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर आपने सबके बारे में समझ लिया होगा कि कहाँ कहाँ रेलवे म्यूजियम या फिर हेरिटेज गैलरी एक्सेट्रा बने हुए हैं इंडियन रेलवेज में। तो आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।